सूरत शहर में गुलशन ए ख्वाजा अबू तालिक अले वसलम चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जरूरतमंद सैयद परिवारों ने पवित्र ईद माटे ड्राई फ्रूट अने साथे अनाजनी किटनु वितरण करवामां आव्युं। कोरोना वायरसना पॉजिटिव दर्दीओनी संख्यामां दिवसे ने दिवसे वधारो थई रह्यो छे, जे तंत्र माटे चिंतानो विषय बनी गयो छे। गुजरातमां छेल्ला 57 दिवसथी लॉकडाउन चाली रह्युं छे अने लॉकडाउनने कारणे लोको बेरोजगार बनी घरमां पુરાયા છે। तो हाल में मुस्लिम धर्मना पवित्र रमजान मास चाली रह्यु छे अने मुस्लिमोना रमजान मास में रोजा राखी खुदानी बंदगी करता लोको होय छे। हवे रमजानना छेल्ला दिवसों चाली रह्या छे अने नजीकना दिवसों में ईद आवी रही छे, त्यारे गुलशन ए ख्वाजा अबू तालिब अले वसलम चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गरीब जरूरतमंद सैयद परिवारों ने ईद माटे ड्राई फ्रूट अने राशन अनाजनी किटनुं वितरण करवामां आव्युं। आ किटमां गरीब जरूरतमंद लोकोने ईदमां काम आवी शके तेवा ड्राई फ्रूट्स तेमज नमक, चा, चोखा, खांड, लोट, दाळ, तेल जेवी जीवन जरूरियाती वस्तुओ आपवामां आवी हती। आ राशननी किट परिवारना 5 सभ्योने 1 महीना सुधी चाली शके ते प्रमाणे आपवामां आवी हती। आम गुलशन ए ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम चेरिटेबल ट्रस्ट लॉकडाउन शुरू थयो त्यारथी ज आवा गरीब जरूरतमंद लोकोने कोई पण जातना जातना भेदभाव विना सहाय अने मदद करती आवी रही छे। आपका नाम? जी, मेरा नाम सैयद फरीदुद्दीन जहीरुद्दीन है। मैं गुलशन ए ख्वाजा अबू तालिब की जानिब से, गुलशन ए ख्वाजा अबू तालिब चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से, हम लोग गुज़िश्ता जो 52 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, इसमें हमारी मुहिम ये रही है कि हमने जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको राशन की किट बनाकर उनको घर घर जाके राशन की किट लोगों तक पहुंचाई, जो कि ज़रूरतमंद है। और इसके बाद अब रमज़ान का महीना ख़त्म होने को है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ईद आने वाली है, तो हमने ये सोचा कि भाई ईद के मौके पर भी कुछ ईद का कुछ तोहफा लोगों तक पहुंचा सके जो कि ज़रूरतमंद है। उसके सबब से हमने एक किट वापस से बनाई है। हमारा पूरा जो 16 मेम्बरान है हमारे गुलशन अबू तालिब ट्रस्ट की जानिब से, सब ने मिलकर सबका सहयोग हुआ है। उसके अलावा दीगर आवाम में से भी लोगों का ताउन मिला है और उसके सबब हम इंशाल्लाह ये काम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 15 से 17 वैरायटी है, जिसमें शीर खुरमा के अंदर भी जो ड्राई फ्रूट वगैरह पड़ते हैं वो भी हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो ज़रूरतमंद लोगों के तक इंशाल्लाह पहुँचेगी और वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और ईद की खुशी मना सकेंगे। और आम आवाम से भी हमारी ये एक अपील है कि हम ये जो ट्रस्ट चला रहे इसमें हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी अपना ताउन हमारे इस ट्रस्ट को दें, ताकि हम इन फ्यूचर भविष्य में और भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे ज़्यादा से लोगों को ये किट हम लोग पहुँचा सकें। आपका नाम? मेरा नाम है अशफाक सैयद, जो हमारी ट्रस्ट की जानिब से अभी ये जो लॉकडाउन पिछले 52 दिनों से जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसके अंदर हमारी टीम जो है पूरी गुलशन ए ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से जो हमारी ट्रस्ट मुकम्मल हुई है, वो ट्रस्ट के जरिए हमने पिछले लॉकडाउन शुरू होने हुआ था तब हमने 32 जैसी किट जरूरियातमंद लोगों को पहुँचाई थी, कोई भी जात के नात जात के भेदभाव वगैरह। और अभी फिलहाल ईद उल फित्र का त्यौहार नज़दीक है और हमने ये सोचकर भी कुछ ज़रूरियातमंद, सूरत शहर के अंदर अभी लॉकडाउन जारी है 31 मार्च तक, तो हमारी ईद अन करीब है, उसके लिए हमने एक दूसरी किट तैयार की है ईद उल फित्र के लिए, और वो किट भी टोटल 72 जैसी किट तैयार की है, जो कोई भी जात के भेदभाव अगर हम ये किट पहुँचा रहे हैं और इंशाल्लाह इसके अंदर करीबन 20 जैसी आइटमें तैयार की है जो ईद उल फित्र में यूज़ हो रही है वो भी, और राशन वगैरह भी हमने सब तैयार किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ये किट यूज़ इंशाल्लाह 5 जन की अगर फैमिली है तो वो 1 महीने तक उसको यूज़ कर सके, इस तरह की हमने किट तैयार की है। और हमारी ये गुलशन ए ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम चैरिटेबल ट्रस्ट के कुल 16 मेम्बरान से, और माशाल्लाह इन्होंने खूब मेहनत करके पूरे शहर से हमें डोनेशन भी मिला हुआ है और वो डोनेशन के जरिए हमने ये किट तैयार की है। और सरकार से हम ये अपील भी करते हैं कि जो लॉकडाउन अभी बढ़ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद को
पहुंच सके, हर चीज की जो फैसिलिटी उन्हें मिल सके, ऐसी सरकार भी कोशिश करे और हम भी कोशिश कर रहे हैं हमारे ट्रस्ट के जरिए कि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की हम खिदमत कर सके। मेरा नाम सैयद जियाउद्दीन है और हम पिछले लॉकडाउन के 52 दिनों से इस मुहिम के लिए मेहनत कर रहे थे कि जरूरतमंद लोगों तक कुछ राशन की किट पहुंचाई जाए, जिनको रोजिंदी जरूरत के मुताबिक काम में आ सके। तो गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले हमने राशन की किट तैयार की थी, जैसे 5 लोगों की जो फैमिली हो और उनको 1 महीना भर राशन चल पाए, इस तरह की हमने 30 से ज़्यादा किट तैयार की थी और ज़रूरतमंद लोगों को नात जात के भेदभाव के बगैर हमने उन तक पहुंचाई है। और अब ईद उल फितर का त्यौहार आ रहा है तो इस मौके पर हमने ईद उल फितर में काम आ सके इस टाइप की किट तैयार की है और 70 से ज़्यादा लोगों तक ये किट पहुंचे ये हमने सोचा था, लेकिन माशाअल्लाह उससे ज़्यादा हुआ है। अल्लाह हमारी एक खिदमत को कबूल करे और हमारा जो ट्रस्ट है गुलशन ख्वाजा अबू तालिब अलैहिस्सलाम और इस ट्रस्ट के जो 16 मेंबरान हैं उन्होंने भी अच्छी मेहनत की है, अच्छा साथ दिया है। और दुआ करता हूँ मैं रब ताला से कि ये 16 मेंबरान आगे भविष्य में भी ऐसी मेहनत करें और समाज के लिए। रिपोर्टिंग बाय यासीन दारा, BTS न्यूज़, सूरत।